हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमस एकेडमी। मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में देखेंगे हम स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक और ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट जब फाइंड करना हो तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका रूट फाइंड करने का तरीका बहुत ईजी होता है। आप उनको लास्ट डिजिट देख के और लास्ट डिजिट के हिसाब से कैटेगराइज करके कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर अभी देख लीजिए। वो लेक्चर देखने के बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि 36 का स्क्वायर रूट पता है सबको 6 है, अगर 38 आ जाता है, 37 आ जाता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 6 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन कितना होगा वो एग्जैक्ट निकालने के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकालेंगे उसकी अपन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज का अपना जो टारगेट है वो क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट निकालना, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट बोल दीजिए, ठीक है। तो उनमें से फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले, मान लीजिए अभी 38 का बताया, 38 का रूट निकालना, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो इतना आपको पता है कि ये 38 सबसे नियरेस्ट किसके है, इससे बिल्कुल इसके पास में इससे छोटा स्क्वायर क्या है, वो है 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला काम अपने को ये करना है क्वेश्चन में कि जो भी नंबर गिवन है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उससे जस्ट छोटे वाला स्क्वायर क्या है। तो 38 से जस्ट छोटा क्या हो गया, 36 हो गया। तो हमने इतना एस्टेब्लिश कर लिया कि ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इतना काम सबसे पहले कर लिया, तो यहाँ लिख लेंगे 6 पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा, क्या होगा अपने को नहीं पता। अब ये कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, दो बेसिक से स्टेप है। सबसे पहला कि 38 जो है ये 36 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये 2 बड़ा है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये जो 6 है इसका डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 12, 2 बटा 12 ये कितना हो गया 1/6। अब 1/6 कितना होता है, देखिए 1/3 सबको पता होता है, 0.33 होता है, ठीक है। ये भी कैसे पता है, 100/3, ठीक है, 100 का 3 में डिवाइड करते क्या आता है, सबके 33.33 आता है। 100 अगर 3 भाई हैं और 100 चीज है उनको डिवाइड करनी इक्वली तो कितना आएगा, 33.33। ये नॉर्मल डिवाइड करके हमने निकाल लिया, तो 1/3 करेंगे तो 0.33 हो गया। तो 1/6 कितना होगा, इसको फिर नीचे आ जाएगा 2 से, ठीक है। तो 33 में 2 का भाग देंगे कितना आता है, 16.5 आता है, तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं 0.16, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई है ये आपको सिर्फ इसलिए बताइए कि 1/6.16 कैसे आया। तो 1/6.16 है, यही आपका आंसर है 16, तो ये आपका आंसर है 6.16। इजी था, बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत ही ज्यादा छोटी ट्रिक है, समझे आप। इससे आप क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में आप इसका आंसर बता देंगे। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि देख ले, मान लीजिए आपको फाइंड करना है रूट में 66, ठीक है। सबसे पहला काम, इसके नियरेस्ट सबसे छोटा स्क्वायर क्या है, तो आपको अपने को पता है कि क्या है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। इतना अपन ने दिमाग में देख लिया और जल्दी से एस्टेब्लिश कर दिया कि ये आंसर क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग है। क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग क्यों है, 9 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 से ये छोटा है और 8 से ये बड़ा है, 8 के स्क्वायर से बड़ा है, 8 का स्क्वायर है 64। तो पता है इन दोनों के बीच में कहीं मिड वे में ये आंसर है इसका, तो 8 पॉइंट समथिंग है, इतना तो अपन को पता लग गया, ठीक है। तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया, अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 66 जो है 64 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और वही 8 का डबल यहाँ नीचे लिख देंगे, 8 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 16, कितना हो गया 1/8। अब फिर देखिए 1/8 कैसे निकालेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं करेगा कभी कि 1 अंदर लिख लिया 8 से डिवाइड करके करेगा, नहीं। पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए ये स्टैंडर्ड टर्म है कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4, 1/6, 1/8, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 1/9 हो गया, ये सारे आपको टर्म हमेशा याद होनी चाहिए डेसिमल में, ठीक है। और कभी डेसिमल में डायरेक्ट आ जाता है 0.66, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, तो इतना आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एग्जाम में जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अपने पास आ गया 1/8, अब 1/8 आप कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना हो गया 0.5, ये तो बेसिक है सबको पता है, 1/4 भी पता होता है 0.25 होता है, तो 1/8 क्या होगा, नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई और करें तो इसको 2 से और करेंगे, 25 में 2 का भाग देते तो क्या आता है, 12.5 आता है, और पॉइंट इतना पहले था तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0.125, तो इसको 2 डेसिमल तक लिखेंगे 12, तो आंसर हो गया 8.12, ये आंसर हो गया।
ठीक है, अभी मेरे एक्सप्लेनेशन के तरीके से मैं क्योंकि आपको फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी साथ साथ बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि लेंथ ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्ट करके बताता हूँ कि जैसे एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, आपको निकालना है रूट 147, पता है 12 के आसपास है क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो उसके आसपास है। ठीक है, 144 ही कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, 12 का दोगुना 24, 3/24 क्या गया 1.1/8, 1/8 कितना आता है 0.12, ये हो गया आंसर। कितने जल्दी अपन ने स्क्वायर रूट निकाल लिया, आप मतलब सेकेंड्स काउंट कर सकते हैं फिंगर पे, जितने जल्दी इसका इतने जल्दी इसका आंसर आ जाता है। तो एग्जाम में एक एक सेकंड अगर अपन बचाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके खूब सारे एग्जाम्पल करते हैं, जिससे क्या है कि आप थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन ने ले लिया, रूट निकालना है आपको 260 का, ज्यादा बड़ा नहीं लिया छोटा लिया, फिर भी थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक ही है, 260 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम एस्टेब्लिश करेंगे कि ये किसके नियर बाई है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। ठीक है, तो ये उसके नियर बाई है, तो इसका मतलब आंसर होगा 16 पॉइंट समथिंग। अब देखिए ये 260 जो है 256 से कितना बड़ा है, ठीक है 4 बड़ा है 260, ठीक है तो 4 ऊपर आ गया, और फिर 16 का डबल यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट 32, तो 4/32 कितना हुआ 1/8, फिर से 1/8, आज सारे क्वेश्चन में 1/8 ही आ रहा है, 1/8 कितना होता है 0.12 होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 16.12, ये आपका आंसर है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफी देर हो गई, 3 या 4 एग्जाम्पल देख लिया छोटे छोटे, अब बड़ा लेते हैं अपन। मान लीजिए आपको निकालना है रूट में 1229, ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम अपना, सबसे पहले देखेंगे कि नियर बाय किसके है। ठीक है, तो नियर बाय कैसे देखेंगे, सबसे मुश्किल सबसे टफ काम इस ट्रिक में अगर सबसे टफ काम है तो वो यही है कि अपने को इस्टेब्लिश कैसे करें कि यहाँ पॉइंट से पहले वाला क्या हुआ, ये कितना पॉइंट होगा। तो आप मनी मन सोचेंगे कि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, उससे ज्यादा है। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5, जिसके एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रखी है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 3 12, ठीक है 1225। अब यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि लास्ट की डिजिट यूनिट डिजिट अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, जैसे 85 हो गया, 65 हो गया, 125 हो गया, 135 हो गया, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में, अगर आपको नहीं पता है तो हमने लेक्चर अपलोड करा हुआ है, वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद वापस आइए इसी सीरीज में स्क्वायर रूट निकालने में। तो अपने इस ट्रिक से निकाला 35 का स्क्वायर 1225, तो इसके एकदम नियर बाई है ये। ठीक है, 1225 और अपना निकालना है 1229, एकदम क्लोज है, तो इसका मतलब आंसर होगा 35 पॉइंट समथिंग। अभी कितना ज्यादा है, 1229 25 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, और 35 का डबल 70, ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 2/35 आ गया। अब इस फ्रैक्शन को, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एग्जाम में आप डिवाइड करेंगे 2, तो इसको आप 2 नहीं लिखेंगे 200 लिखेंगे, और 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली इमेजिन कर लेंगे 10 लगा के। ठीक है, जब 35 से करेंगे तो देखिए 35 × 70 होता है, 70 × 140 होता है। ठीक है, और 35 × 5 करेंगे तो इसके नियर बाय बैठेगा 175, तो ये सीधा सीधा 5 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, इतना आगे अपने को निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेकंड डेसिमल ऑलरेडी है, 0.05 है, तो 35.05 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ये आंसर निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ पे 2/35 निकालने में कम से कम 20 सेकंड लगा देंगे। देखिए अपने को नहीं लगानी है, अपने को सिर्फ 2 डेसिमल तक जाना होता है, तो फर्स्ट डेसिमल तो 0 है, समझ में आ रहा है, तो अपने को एक ही बार निकालना है कि 35 से ऊपर क्वेश्चन जो है एक डिजिट का निकालना है, डायरेक्ट पता लग रहा है 35 को 5 से करने पे 175 आ रहा है। अब आगे क्या कैलकुलेशन हो रही है अपने को नहीं मतलब, सीधा 5 आया, 5 ऊपर लिख लिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अपन लेते हैं 5 डिजिट एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने ले लिया 12103, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम एस्टेब्लिश करना है कि ये किसके नियर बाई है, तो आप सोचिए 121 दिख रहा है, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो अब 110 का स्क्वायर क्या हुआ 121 और फिर 00, तो ये इसके नियर बाई है कि नहीं है, है 3 का फर्क है, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो अपना जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो आ जाएगा, तो 3 ज्यादा है तो 3 ऊपर लिख लिया, फिर कितना 110 पॉइंट समथिंग है, तो 110 का डबल, 110 का डबल कितना हो गया 220। इस फ्रैक्शन को जब सोल्व करेंगे फिर से उसी कंसेप्ट से, तो ये 0 0 1, तो इतना ही निकालना है अपने को, ज्यादा आगे जाने की जरूरत है तो 3 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको मैक्स टू मैक्स इसमें आपको लगेंगे 5 सेकेंड्स। अब मैं इसमें आपको जल्दी से
काम की चीज जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ कि ये जो ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक की वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ट्रिक कहीं भी लग सकती है, किसी भी नंबर का। अगर आपको कोई भी नंबर आ जाए, 5 4 7 6 7 8 9, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो नियर बाय है किसी स्क्वायर के और ज़्यादा दूर है, तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये ट्रिक ज़्यादा यूजफुल तभी होती है जब जो गिवन नंबर है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 38, ये देख के पता लग रहा है कि ये 36 के नियर बाई है, ठीक है, फिर लिया था 146 या 47, ये 12 के स्क्वायर के नियर बाई है, ठीक है। फिर हमने जो भी एग्जाम्पल लिया, जैसे लास्ट वाला 1 2 1 0 3, इसका निकालना था, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया इजिली कि 110 के स्क्वायर के नियर बाई है। तो अगर ऐसी कोई डिजिट आती है तो आप इसमें कैलकुलेट करने में आपको टाइम लग जाएगा कि इसके नियर बाय स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये ट्रिक आपको थोड़ी महंगी साबित हो सकती है। अदरवाइज ट्रिक सब में लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन क्वेश्चंस में इनको इस क्वेश्चन को इस ट्रिक को डेफिनेटली यूज करेंगे, जिसमें आपको देखते ही पता लग जाए कि ये, जैसे देखते ही पता लग गया कि 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो समथिंग कितना होगा, अगर ये एग्जैक्ट फाइंड करना है तो ये ट्रिक यूज करें। आपको पता लग गया कि आंसर 39 पॉइंट समथिंग होगा तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, 85 पॉइंट समथिंग होगा तो यूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे कि 85 पॉइंट समथिंग है या 39 पॉइंट समथिंग है, तो ये ट्रिक आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको इस ट्रिक से करने में, अदरवाइज ये बेस्ट है, ठीक है। तो उसका भी इलाज अपने पास है कि अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये 35 पॉइंट समथिंग है या 25 पॉइंट समथिंग है, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रैक्शन डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, डिवीजन मेथड होता है सोल्व करने का। तो उससे कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उसमें। जैसे मान लो इसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 लेक्चर हो जाएंगे अपने। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसमें जो मेथड बताया वो हमेशा 100% वैलिड है और सबसे इजी है। सेकेंड लेक्चर जो आज का है, उसमें आपने इम्परफेक्ट देखे हैं, ये भी सब जगह वैलिड है, लेकिन टाइम तभी बचेगा जब आपको पता होगा कि आंसर कौन से स्क्वायर के नियर बाई है, ठीक है। और जो थर्ड लेक्चर में देखेंगे वो ट्रिक भी सब जगह वैलिड है 100%, वो परफेक्ट में भी वैलिड है, इम्परफेक्ट में भी वैलिड है, तो मैक्सिमम बच्चे वही ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए बेटर रहेगा अगर आप परफेक्ट इम्परफेक्ट की अलग अलग डिफरेंट ट्रिक्स यूज करें, ठीक है। बाकी एट द एंड आपको खुद को डिसाइड करना है, हम आप तक सारी ट्रिक्स पहुंचा देंगे, आप उनमें से जो बेटर आपको सुटेबल लगे आपके लिए वो यूज कर लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कोई भी कंटेंट में कोई इश्यू हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 3 होगा अपना स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसमें मिलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। और साथ ही में इंग्लिश की वोकैब सीरीज चल रही है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप जरूर मेंशन करिए, मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी पूरी वीडियो में साथ साथ चलती रहती है, तो आप वो देख लीजिए। तो आज के इतने रखते हैं, थैंक यू गाइस एंड सी यू अगेन।